सी, वॉक इज अ वेरी गुड थिंग, आपको रेगुलर वॉक करनी चाहिए, ठीक? माँ क्या बात है, आप सेट लग रही है कुछ? वो शिरिंक का फोन आया था, बेचारी बहुत परेशान लग रही थी। क्या हुआ हरियत, क्यों परेशान है आंटी? अभी अभी उसने अपने बेटे की शादी की थी, लगता है उस बेचारी को खुशियां रास नहीं आई। ऐसे क्यों कह रही हो? तो और क्या कहूँ बेटा, उसकी बड़ी बहू का छोटे बेटे के साथ अफेयर था। ये क्या कह रही है आप? हाँ, मैं भी सुनकर बहुत परेशान हो गई, मुझसे मशवरा मांग रही थी, मैं भला क्या दे सकती हूँ। तुम बताओ बेटा, खुदा ना खास्ता अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या फैसला करते? अल्लाह करे मैं कभी ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में हूँ। फिर भी मेरी उलझन दूर करने के लिए बता दो, क्या फैसला करते? तलाक दे देता हूँ। एक मिनट। हेलो, हाँ फराज। सुन लिया तुमने जुनेद का फैसला? ये बात तो खत्म हो गई थी ना मम्मी। नहीं नहीं, ऐसी बातें खत्म थोड़ी होती हैं। प्यार पर बड़ी गर्द हटाने की देर होती है, सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखाई देता है। ये और बात है कि उस शीशे में जुनेद को अपनी जगह। मम्मी प्लीज, मेरे नाम के साथ सिर्फ जुनेद का नाम जुड़ा है, आप किसी और का नाम जोड़कर मेरी वफा और पाकीज़गी को गाली ना दें तो बेहतर है। ये कहाँ चलेगी? थक गई होगी बेचारी। तुम बताओ, बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ फराज, बहुत खुश था, माशाल्लाह से पापा बनने वाला है। मुबारक हो बेटा, मेरे तो कान तरस गए ये खुशखबरी सुनने के लिए। मैं जरा बीना को देखा।